अस्सलाम वालेकुम। आज जो भी चीज़ लेकर आपको सामने आए हैं वो इतनी डिफरेंट चीज़ है कि हम यहाँ सब लोग मूव होना चाहते हैं भाई, सारे साउथ एशियन के भाई स्कैंडिनेवियन कंट्री मूव होता है। अमेरिकन लोग जो है वो रहता है भाई, हम स्कैंडिनेवियन कल्चर को फॉलो करें, स्कैंडिनेवियन स्टाइल को फॉलो करें। भाई ये खाली 20-30 मिलियन के लोग जो है इस तरह दुनिया पे कैसे कंट्रोल करके रखा हुआ है इन्होंने, हमारा ऐसा क्यों नहीं है? हमारे कल्चर को या हमारी चीज़ों को लोग क्यों नहीं फॉलो करना चाहते? हमें क्यों नहीं वो करना चाहते कि भाई अपने घरों में जो है आप जो है इंडियन चीज़ें रखो, पाकिस्तानी स्टाइल की चीज़ें रखो, ऐसा वो चीज़ क्यों नहीं? एक वाइट कल्चर, वाइट चीज़ें टेस्ट, मतलब बिल्कुल मिनिमम चीज़ें जो अपना इंडिया से लेके अमेरिका तक दुनिया भर में यूज़ होती है। तो ऐसी क्या चीज़ है भाई, क्या चीज़ क्या सही कर रहे हैं जो हम गलत कर रहे हैं? और भाई अगर पढ़ाई की बात करो तो पढ़ाई तो हम वो ये भी कर रहे हैं, पढ़ाई हम भी करते हैं, लेकिन फिर भी हमसे ही आगे। इनकी इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, इतने छोटे से मुल्कों के अंदर इतनी बड़ी कंपनीज हैं, हम सोच भी नहीं सकते, ठीक है ना भाई? पूरे स्वीडन की आबादी 10 मिलियन की है, हमारे कराची की आबादी जो है 30 मिलियन है। तो इमेजिन कर लीजिए आप कि अगर चार कंट्रियों को मिला लें आप तो कराची की आबादी नहीं बनती, और फिर भी ये कामयाब है। मुझे जो समझ में आता है ना, मैं पढ़ाई की कंपैरिजन तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं ये कंपैरिजन ज़रूर कर सकता हूँ कि इन लोग का जो दिमाग है वो ऐसे काम करता है कि सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे दिमाग पे जोर नहीं देना, अपने जिस्म को भी इस्तेमाल करना है। कितनी ज़्यादा ज़रूरत आपके जिस्म को है एक्टिविटीज़ की, और वही चीज़ ये लोग फोकस करते हैं। हर बच्चा जो है यहाँ पर आप आएंगे तो हर बच्चा जो है स्कूल जाता है, स्कूल के पास एक्टिविटी है, कम से कम मैं बोलूँगा कम से कम एक तो है ही है कोई ना कोई एक्टिविटी। वो ऐसी एक्टिविटी जिसमें वो खुश है, जिसको मज़ा आता है। फॉर एग्जाम्पल अगर वो पियानो सीखना है, उसको फुटबॉल जानना है, उसको फिजिकल एक्टिविटी, कोई फुटबॉल सीखना है, स्विमिंग सीखनी है, और फिर आपको मतलब हॉर्स राइडिंग करनी, कुछ भी कर सकते हैं, वहाँ पर वो सब कुछ करा जाता है। उन बच्चों को क्या दिखाया जाता है, आइए आपको दिखाता है। हम जो यहाँ आया हूँ इस कंपटीशन में अपनी बेटी को लेके, अब कहने को तो यार हमारे पास टाइम नहीं है, अमीरों को शौक है भाई, कौन करेगा कौन नहीं करता भाई। यही चीज़ तो है, इन्होंने इतना ज़्यादा सब्सिडाइज किया हुआ इन चीज़ों को कि भाई ये स्विमिंग पूल जो है यूज़ होता है ओलंपिक, उसके लिए उसके अंदर बच्चों को आपको कॉम्पिटिशन दिखाए जा रहे हैं कि भाई आप क्या बन सकते हो, क्या कर सकते हो, किस तरीके लेवल पर जा सकते हो। इतनी इंपॉर्टेंट है यहाँ जो ख़र्चा इसका है, मैं अगर बताऊँगी तो आप हंसोगे कि यहाँ पे जो बंदा कह लो कि एक सबसे ख़राब जॉब भी कह लो ना, तो रेस्टोरेंट की जॉब कह लो या किसी ड्राइविंग की डिलीवरी की जॉब, लोअर उसकी सैलरी इनकम वाली जॉब भी कह लो, उसके अंदर भी जो पर घंटा कमाता है ना, अगर वो सिर्फ 3 घंटे काम, सिर्फ 3 घंटे के पैसे जमा करें तो वो बच पूरे सेमेस्टर यानी 6 महीने के पैसे दे सकता है इसके अंदर। यानी कि आप इमेजिन करो कि कितना सस्ता है, और वो भी अगर आप नहीं दे सकते तो यहाँ पे गवर्नमेंट का सपोर्ट प्लान है, उसको आप सपोर्ट प्लान यूज़ कर सकते हैं, उसमें कोई मसला नहीं है। आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ, आपको यकीन आएगा या नहीं आएगा यार कि ऐसा क्यों है कि कितना फिजिकल चीज़ों पे, कि यहाँ पे बच्चों का कॉम्पिटिशन हो रहा है, स्विमिंग चल रही है, सब कुछ हो रहा है, और उसके साथ ही साथ यहाँ पे इनका जिम है, यहाँ पे जिम की पूरी फैसिलिटीज़ हैं, जो जिम से नकाबत लोग भाग रहे हैं, बड़े भाग रहे हैं बच्चों का कॉम्पिटिशन से। ये है भाई इनकी कामयाबी का राज। तो यार क्या है यार, शानी भाई उमरान भाई क्या बाल बातें कर रहे हो यार, ऐसा कहाँ हो सकता है, ऐसा नहीं भाई। यही है यहाँ की सक्सेस का राज कि भाई अपनी आपकी जो फिजिकल एक्टिविटीज है उनको बहुत जोर देते हैं, और जो पेरेंट हैं उसके अंदर वो इन्वॉल्व होते हैं। यार सुबह कितने बजे मैं घर से निकला हूँ यार, 7:10 पेरेंट निकलूँगा, तो सुबह सुबह कितने बजे उठाते हैं काम करने के लिए कि मैं बेटी को लेके आया हूँ स्विमिंग कॉम्पिटिशन में, अभी शाम तक चलेगा ये, वो दिन की कहानी है। लेकिन ये कि उसमें उसको मज़ा आ रहा है, उसको शौक है, उसको मज़ा आ रहा है, तो चल रही स्कूल के साथ अलग एक्टिविटी, पूरा संडे ख़राब आपका कहने को बोला जाता है, लेकिन नहीं इनको करना है, सिखाया जा रहा है कि भाई आप ये एक्टिविटी हिस्सा लें, आप कर रहे हैं, अब आगे जाएंगे आप कुछ है ना, मतलब मेंटली आप फ्रेश रहेंगे। सुबह मेरी बेटी जब आ रही थी तो उसको मतलब बहुत थकी हुई, उसको एनर्जी नहीं है बिल्कुल भी, सोपोट है भाई तो कुछ भी नहीं, लेकिन एक दफ़ा ग्राउंड लगाने के बाद तो ऐसी मान लो ना एनर्जी आई है,
ऐसे दिमाग क्या चल रहा होगा उसका। यही चीज जो है इस चीज को कैश इन करते हैं लोग, जो हम नहीं कर, सिर्फ पढ़ाई सब कुछ नहीं है मेरे भाई, सिर्फ पढ़ाई सब कुछ नहीं है, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, इन चीज़ों को समझना चाहिए। मैं तो भाई ये छोटे से कंट्रीज किस क्यों कामयाब हो रहे हैं, इतनी तेजी से कहाँ निकल गए, कैसे निकल गए, ये इनका कोई मुकाबला करने वाला नहीं है। आप ये चेक करो कि सारे जो इन हीरोज हैं जो गोल्ड मेडल जीता होगा, उनकी सबकी तस्वीरें लगाई हैं यहाँ पे उनके मेडल्स के साथ, नाम के साथ, हॉल ऑफ फेम, दिखाने के लिए भाई कि आप क्या कर सकते हो, जहाँ जो आप कर रहे हो, जहाँ जो आप कॉम्पिटिशन, एक दिन ऐसा आएगा कि आपका नाम भी इसमें हो सकता है। अब कितना ज्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं भाई ये हेल्थ को, और कितना ज्यादा पढ़ते हैं एक इस तरह की एक्टिविटीज। पाकिस्तान में रहते काम कैसे करें, हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, सकते टाइम ही नहीं है, तो 4 घंटे आप 2 घंटे ट्रैवल में निकालते तो ऑफिस से आवास ही आने में निकाल देते हैं, 10 घंटे की जॉब पे 4 घंटे का ट्रैवल होता है हमारा, हम क्या करें, हम कैसे इन चीज़ों पर। यार मैं ये नहीं कह रहा कि आप जो है रोज ये काम करो, लेकिन यार आप महीने में एक दिन निकालो। अब ये जो एक्टिविटी है जो स्विमिंग कॉम्पिटिशन है, ये जो है 3 महीने एक दफा होता है, तो 6 महीने दो दो इसके कॉम्पिटिशन होते हैं इस तरह ये, और इनकी ट्रेनिंग जो है, हाँ ठीक है ट्रेनिंग हमारी, इनकी ट्रेनिंग बच्चों की मतलब हफ्ते में 2 दिन है, तो वो हमें अरेंज करना पड़ता है, वो घर के पास ही है, इतना दूर जा रहे हैं छोड़ के आ जाते हैं हम, पिक कर लेते हैं जाके, कोई समझ में कॉस्ट पाकिस्तान में मुश्किल हो सकती है, तो कोई ऐसी चीज़ ढूंढें जिम बच्चों को लेके जाएं, वहाँ पे एक्टिव फिजिकल एक्टिविटीज़ में उनको इन्वॉल्व करें किसी तरीके से भी। अब मैं खुश इस चीज़ से हूँ, मैं यहाँ बैठ के इससे खुश हो रहा हूँ कि यार एटलीस्ट मेरी बेटी ने आज जो है बहुत कम मोबाइल यूज़ किया होगा, इसी से मैं खुश हूँ भाई। तो होपफुली आपको कोई मैसेज मिलेगा इससे, और आप लोग को सीखने को मिलेगा, समझने को मिलेगा भाई, कि शायद मैं कोई हल नहीं बता सकता आपको, लेकिन मैं चीज़ दिखा रहा हूँ कि क्या क्या चीज़ें पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो हो सकता है आपको कोई मोटिवेशन मिले, और इसके आप भी कुछ अपनी फैमिली में कर सकें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।